पेरोल क्या है? द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मनी ड्यू टू ईच। अ पेरोल लिस्ट इज प्रोड्यूस ईच टाइम दैट एम्प्लॉइज आर पेड। यानी कि पेरोल क्या एक लिस्ट है एम्प्लॉय की, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी उसके एम्प्लॉय की, इसके ग्रॉस पे, डिडक्शंस, नेट पे, सारी डिटेल्स मौजूद होती है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल जाता है कि इस एम्प्लॉय को कितना अमाउंट पे करना है। और पेरोल कब बनती है लिस्ट? जब जब एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं। नॉर्मली पेमेंट मंथली बेसिस पर होती है, तो पेरोल भी आपका मंथली बेसिस पर बनेगा। और इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स होती है, उनके नाम हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, ग्रॉस पे हो गए, डिडक्शंस हो गई, नेक्स्ट पे हो गए, सारी चीज। अच्छा ग्रॉस पे क्या होती है, ये पता है आपको? ग्रॉस पे ठीक है, द टोटल अमाउंट अर्न इन अ वीक और मंथ बाय एन एम्प्लॉय इज कॉल्ड दिस और आर ग्रॉस पे। अच्छा एम्प्लॉय को ग्रॉस पे मिलती है, नेट पे मिलती है? एम्प्लॉय को नेट पे मिलती है, नेट पे। एम्प्लॉय को नेट पे मिलती है, नेट पे क्या है? ग्रॉस पे लेस डिडक्शन, दैट इज अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को तो नेट पे मिलती है, ग्रॉस थोड़ी मिलती है। अच्छा डिडक्शन क्या होती है, कौन कौन सी होती है? डिडक्शन क्या है? अमाउंट टेकन फ्रॉम ग्रॉस पे फॉर इनकम टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, एनआईसी, पेंशन कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ये कुछ डिडक्शन हो जाती है। अच्छा क्या डिडक्शन फ्रॉम पे आर यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ? अच्छा डिडक्शन दो टाइप्स की होती है, ये क्या कहलाती है? स्टैच्यूटरी डिडक्शन और दूसरी नॉन स्टैच्यूटरी डिडक्शन। अच्छा स्टैच्यूटरी मतलब होती है कंपलसरी डिडक्शन है, जो लॉ की तरफ से होती है, जो हर एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट लास्ट में। और नॉन स्टैच्यूटरी, जो एम्प्लॉय चाहेगा तो उसकी सैलरी से डिडक्शन होंगी, नहीं चाहेगा तो नहीं। तो ये क्या आर डिडक्शन फ्रॉम पे दैट आर मेड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स हो गया एनआईसी, ये तो लॉ है कि आपने डिडक्ट होनी कर नहीं कर लास्ट। नॉन एस्टिट्यूटरी क्या है? वॉलेंट्री डिडक्शन फ्रॉम पे दैट एम्प्लॉयज चूज टू मेक, ठीक है। एम्प्लॉय चाहेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? सब्सक्रिप्शन टू अ ट्रेड यूनियन और कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज। तो भाई ये मिल जाएंगे आएंगे तो। ठीक है, तो नॉन एक्सक्लूसिव में क्या है? सब्सक्रिप्शन ट्रेड यूनियन हो गया, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज और पेंशन स्कीम। थोड़ा आप यहां जोड़ लें पीछे जाकर बैठ थोड़ी है बात। अच्छा रिडक्शन हो गई स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक। अच्छा इसके बाद जो कंपनीज वगैरह में यूनियन होती है ना, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयज की यूनियन होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो अपने मुतालबात मनवा रहे होते हैं, इस टाइप के धरना वरना दे रहे होते हैं कभी कभी। एनआईसी लिखा था ना। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा क्या लिखा है? नोट। अच्छा नोट क्या? नोट है फिर सेल्स टैक्स, सेल्स क्या लिखा? नोट है फिर सेल्स टैक्स और वेल्थ टैक्स एज अ कलेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर कंट्रीब्यूशन। जिसमें देखिए सेल्स टैक्स बिजनेसमैन के लिए क्या होता है? एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी है, की तरह से जो भी कलेक्शन होती है सैलरी से वेजेस से, वो एम्प्लॉयर के लिए क्या है? लाइबिलिटी होती है, ठीक है। जो ठीक है, एज द सेल्स टैक्स बिजनेस एक्ट एज अ कलेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर कंट्रीब्यूशन, द मनी, अच्छा इसको सही कर लेते हैं, मनी कलेक्टेड आर पास ऑन टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज। द मनी कलेक्टेड आर पास ऑन, जो भी डिडक्शन होंगी वो एम्प्लॉयर के लिए क्या है?
लायबिलिटी है और वो उसने रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जमा करवानी। ठीक है, एम ओ एन ई वाई, एम ओ एन ई वाई करो। अच्छा, टोटल अमाउंट लायबिलिटी एक ही है। आवाज नहीं आ रही थी। टोटल अमाउंट डेबिटेड बाय दिस पीरियड बाय द एम्प्लॉयर टू द कलेक्टिंग अथॉरिटी समराइज द फॉलोइंग। अच्छा, जो एम्प्लॉयर वो गवर्नमेंट को जो अमाउंट पे करेगा वो क्या कौन सा अमाउंट हो गया? तो इनकम टैक्स हो गया, नाइसी हो गया, और खुद से जो कंट्रीब्यूट करेगा वो भी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है ना, एम्प्लॉयर एनआईसी कंट्रीब्यूशन। अमाउंट रेमिटेड ईच पीरियड बाय द एम्प्लॉयर टू द कलेक्टिंग अथॉरिटीज कंप्राइज द फॉलोइंग। क्या क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पेबल बाय एम्प्लॉय व्हिच पार्ट ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस पे। ठीक है, जो डिडक्शन होगी वो सब पे करनी है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन पेबल बाय एम्प्लॉयर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस पे। इसमें क्या आ जाता है? इंस्टेड दे कंस्टिट्यूट एन एडिशनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? एम्प्लॉयर एनआईसी कंट्रीब्यूशन। तो ग्रॉस पे से डिडक्ट नहीं होता है, लेकिन एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और इसकी वजह से एम्प्लॉयर की कॉस्ट बढ़ जाती है ना, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। राइट, तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल कॉस्ट का कि ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो ये टोटल कॉस्ट हो जाता है। ओके, अच्छा ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जिस पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि पे ग्रॉस पे नेट पे वगैरह किस तरह कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हम लिखा हुआ ग्रॉस पे क्या होती है? टोटल अमाउंट अर्न इन द वीक और मंथ बाय एन एम्प्लॉय इज कॉल्ड इज हिज और हर ग्रॉस पे। दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ मनी दैट एम्प्लॉय रिसीव। ठीक है, अर्न करता है लेकिन रिसीव नहीं करता। रिसीव क्या करता है? नेट पे। अब क्या लिखा? एलिमेंट्स ऑफ ग्रॉस पे। ग्रॉस पे में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती है ना? एक तो आपके बेसिक पे आ गई पहले, फिर ओवर टाइम पे, बोनस, कमीशन, ये सब मिलाकर ग्रॉस पे बनती है। अब इनको जरा कैलकुलेट करते हैं, इसमें बात करते हैं। तो पहले आते हैं बेसिक पे में। बेसिक पे क्या होती है? जो बेसिक हो, जैसे पर आर आपको मिल रहे हैं, पर यूनिट जो पैसे मिलेंगे वो आपके बेसिक पे कहलाएंगे। अच्छा, बेसिक पे क्या होता है? रेट फॉर द जॉब एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट टू रिसीव फॉर अ नॉर्मल पीरियड्स वर्क। देयर आर, अच्छा, देयर आर नंबर ऑफ वेज कैलकुलेटिंग बेसिक पे। जैसे आवरली बेस हो गया, यूनिट बेस हो गया। तो इसके साथ कैलकुलेशन करते हैं पहले बेसिक पे की, इसके बाद फिर ओवर टाइम, फिर बोनस और फिर कमीशन की कैलकुलेशन। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या? आवरली रेट। अच्छा, इसका आंसर बता दें आप लोग। तो क्वेश्चन वन का बहुत आसान है। अब बेसिक पे कैलकुलेशन है। अच्छा, इसमें पहले आवरली बेस का क्वेश्चन वन का आंसर 157.5। इसमें आप 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5। ये तो आसान। अच्छा, अब पीस वर्क। अच्छा, पीस वर्क में भी कई ऑप्शंस होते हैं ना, एक ही मेथड होता है। फ्लैट होता है आपका, फ्लैट रेट हो गया पर पीस इतना। डिफरेंशियल पीस वर्क होता है, उसमें क्या होता है? डिफरेंशियल हाँ, वो रेंज होती है, इतने यूनिट का ये रेट, इतने यूनिट का ये रेट, इसका डिपार्टमेंट का कुछ होगा। और एक फिर गारंटीड वाला भी होता है कुछ अमाउंट। ठीक है, वो अलग है। चलिए अब आ जाए इसमें पीस वर्क, रीड कर ले। अच्छा, पीटर पॉल एंड मैरी आर थ्री एम्प्लॉयज, ईच पेड बाय पीस वर्क। अच्छा, द टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट आर एज फॉलोज। अच्छा, पीटर इज पेड अ फ्लैट रेट ऑफ 1.33 फॉर एवरी बॉक्स ही प्रोड्यूसेस इन 1 वीक। He produces 121 boxes. इसके टोटल पे क्या होगी? ग्रॉस पे, बेसिक पे,
क्वेश्चन नंबर टू, पहला एम्प्लॉय कौन है? पीटर। जिसके बेसिक पे कैलकुलेट करेंगे दसवें क्या है, 121 मल्टीप्लाई बाय 1.33, तो 160.93, ठीक है। तो ये हो जाएगी पीटर की बेसिक पे। अच्छा सेकेंड एम्प्लॉय कौन है? पॉल। जिसमें क्या पॉल इज पेड 0.99 फॉर एवरी बॉक्स ही प्रोड्यूसेस विद अ गारंटेड मिनिमम वेज ऑफ 80 पर वीक। इन वन वीक ही प्रोड्यूसेस 75 बॉक्सेस। अच्छा इसकी अब बेसिक कितने यूनिट्स हैं? कितने वो 75 इंटू 0.99 कितना बना? इसका आंसर क्या है? 84.25। ठीक है। अच्छा इसकी बेसिक पे बन रही है 74.25, लेकिन यहाँ पर गारंटेड वेज कितनी है? 80। दस को क्या मिलेंगे? इसको 80 मिलेंगे फिर। ठीक है कि अगर एक्चुअल अमाउंट गारंटेड से कम होता है तो गारंटेड अमाउंट मिलता है ना। अच्छा थर्ड एम्प्लॉय मैरी। तो मैरी इज पेड 1.33 ईच फॉर फर्स्ट 125 बॉक्सेस शी प्रोड्यूसेस एंड 1.47 फॉर सबसेक्वेंट बॉक्सेस। ये वो डिफरेंशियल पीस पर आ गया ना। अच्छा पहले 125 का रेट है 1.33। अच्छा जिसकी बेसिक पे क्या होगी, इसमें क्या क्या 1.125 इंटू 1.33 कितना बन रहा है? 1 मिनट, 125 इंटू 1.33 कितना बन रहा है? 166.5। ठीक है। अच्छा बाकी कितने यूनिट्स बचे? रिमेनिंग है 20। इसकी पेमेंट हो जाएगी 1.47 के रेट से, 9.29.4। ठीक है दोनों को ऐड कर लेंगे 195.65 बेसिक पे आ जाएगी ना। ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है, तो कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर थ्री, तो मैरी मैन्युफैक्चर पैकिंग केसेस एंड एम्प्लॉय नंबर ऑफ पीपल ऑन अ पीस रेट स्कीम ऑफ 3 फॉर ईच पैकिंग केस मेड। If an employee produces more than 100 packing cases in a week, any extra packing cases made over 100 are paid at a rate of 4 per packing case. All employees have a guaranteed minimum weekly wage of 300. So in the last week, an employee produced 109 packing cases. बस यहीं तक है। अब इसकी पे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा पहले टोटल यूनिट्स कितने हैं? 109। तो फर्स्ट 100 की पेमेंट होगी 3 से। उसकी बेसिक पे अच्छा 100 इंटू 300 और 9 इंटू 4 30 36। ठीक है जी, तो 336। हाँ नजर आ रहा है मुझे, लिखा रहा है, अच्छा लग रहा है जी। सैरी में पाया बनवाएंगे ना अभी, बेसिक पाया, सहरी में पाया गया। तो क्वेश्चन नंबर फोर, अच्छा ये एक नई चीज है,
वर्क आवर्स। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन फोर, ये एक नया क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है? पीस वर्क आर्ट्स। ये आपने एमए में नहीं पढ़ा? पढ़ा ही है। अच्छा आंसर बताएं। हाँ लिख लेते हैं। अच्छा 142। अच्छा क्या लिखा है? 15 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स और टाइम अलाउड कितना है? 0.5। तो पहले 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, ये हो गए 7.5 आवर्स हो गए ना। अब रेट क्या था? 3 पर पीस पर आवर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, कितना बन रहा है? 22.5। इसके बाद है 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई, टाइम अलाउड है 2, 20 into 2 40 आवर्स आ गए, और रेट क्या है? 3 का into 3 120, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 142.5 आंसर हो जाएगा। अच्छा क्या कर रही है? कैसे बताऊं? तो आज रहने दो, ये कर दो। अभी कैसे करूं बता, क्या करूं ये बता। क्लास छोड़ दो और करते की वजह से देखा, मैंने मना किया था, क्यों दिया था उसका नहीं बताऊं, जब मना कर दिया था, जब मना कर दिया था तो तुमने लगाया क्यों? 3 का नहीं, 8-10 क्वेश्चन अटके क्लास ना लो। कितने बजे टेस्ट है? क्लास मेरी 12:30 देखता। अच्छा जी देखते हैं आपके टेस्ट का भी जरा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा फिक्स रेट्स पर पीरियड, कल क्लास कब होंगी? कल ऑफ कौन सी है? क्या टाइमिंग है? 1 से 3:30। 1 से 3:30, 1 से 3:30, कल फ्राइडे, कल क्या है? थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे ऑफ है फिलहाल। अच्छा अभी क्वेश्चन करने चलते, पे फिक्स रेट पर पीरियड है, ठीक है। मिस्टर अलीस पे 12,000 पर एनम फॉर वर्किंग फ्रॉम 9 AM टिल 5 PM मंडे टू फ्राइडे। अच्छा विद 1 आवर लंच ब्रेक एंड विद एन एंटाइटलमेंट टू 20 डेज हॉलीडेज, ठीक है। अच्छा पूरा एक सैलरी पैकेज दे दिया इसका, अब इसकी हमने सैलरी निकालनी है। अगर वीकली पे इसको मिल रही है तो क्या होगी? एम है वीकली पे जी, वीकली पे देखिए, एनुअल पे कितनी है? 12,000, तो 12,000 को डिवाइड करें किससे? 7 से, 40 से, अच्छा हमें वीकली पे कैलकुलेट करनी है तो इसको डिवाइड करेंगे 52 से, आंसर 230.7, ठीक है। ओके जी बी पार्ट, अब इसमें फोर्टनाइटली पे, इसका मतलब हाँ फोर्टनाइट मतलब होता है 2 हफ्ते, 15 डेज, ठीक है। तो 12,000 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 52 से कर देंगे ना, तो डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे 4 6 4 6 1.53 सही।
490 मीन्स होता है 2 वीक्स, 2 वीक्स। 490 का मतलब क्या होता है? 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते की सर पे निकालनी है तो 2/52 कर देंगे ना। आप ये भी कर सकते हैं, 230.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 461.53 आएगा। फिर क्या आएगा? हाँ, डेसिमल वो डेसिमल की वजह से आ रहा होगा फर्क, बाकी कैलकुलेशन तो यही होगी ना, बाकी तो सेम है। ठीक है, अच्छा जी। सी, 4 वीक्स पे, 4 वीक पे डायरेक्ट करेंगे 12,000 इंटू 4/52 कर दें, 920.07। ठीक। अच्छा, इसके बाद है मंथली पे, मंथली मंथली पे। अच्छा, 12,000 पर है ना, मैं तो डिवाइड इसको कर देंगे, 12 से डिवाइड कर दें, 1,000 पर मंथ आ जाए। कि कभी मैंने बताया साल में 4 हफ्ते नहीं होते, एक महीने में 4 हफ्ते नहीं होते। ठीक है, अगर आप 230 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो 4 वीक्स पे और मंथली पे में फर्क है, सेम नहीं है, क्योंकि महीने में 4 वीक नहीं होते। मंथली पे 1,000, टाइम, ओवर टाइम क्या होता है? बेसिक आवर्स के बाद ना। अच्छा, नॉर्मली बेसिक टाइमिंग क्या होती है? बेसिक आवर्स होता है 9 to 5, 5 के बाद अगर काम करेंगे तो ओवर टाइम होता है। ठीक। अच्छा, ओवर टाइम की जो पे मिलती है वो बेसिक रेट पर ही मिलती है या डिफरेंट होता है कुछ रेट? कुछ डिफरेंट होता है ना, कुछ हाई रेट हो जाता है ना उसका, ठीक है, प्रीमियम कहते हैं जिसको। हाँ, तो ठीक है, प्रीमियम मतलब उसका रेट हाई हो जाता है ना, वही रेट तो नहीं होगा। जैसे 9 to 5 का रेट अगर 10 पर आ रहे तो 5 के बाद कुछ ज्यादा हो जाएगा, 12, 15, 20 हो जाता है ना, उसको प्रीमियम कहते हैं आप लोग। क्या प्रीमियम क्या मतलब? तो टोटल तो वही कहलाएगा ना, प्रीमियम ओवर टाइम के लिए क्या टर्म्स यूज होती है ओवर टाइम रेट के लिए? यार जैसे यहां लिखा हुआ है, She's paid time and half. तो ये टर्म एक हो गया ना, टाइम एंड हाफ, मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक और फिर उसका हाफ, हाफ हो जाएगा। तो she's paid time and half for evening overtime and double time for weekend overtime, तो उसमें वो डबल हो जाएगा, जितना बेसिक उतना ही प्रीमियम होगा, 1.5 को। टाइम एंड हाफ मतलब 1.5, 1.5 होगा। ठीक है, फाइव क्या वो कुछ और पूछ रहा है? वो कुछ और पूछ, आप भी सही है, आप भी सही है, उसका सवाल कुछ और है, आपका कुछ और है, दोनों का आंसर। ठीक है, अच्छा जी, पढ़ लेते हैं उसको, आ रहे हैं। सुजैन नॉर्मली वर्क 35 आवर्स इन अ वीक एंड इज पेड 5 पर आ रही है, बेसिक रेट हो गया। इन 1 वीक शी वर्क 12 आवर्स ऑफ ओवर टाइम। अच्छा, अभी ये 12 आवर्स का आगे ब्रेकअप है, 1 आवर ईच वीकडे एंड 7 आवर्स ऑन सैटरडे। अच्छा, वीक डेज कितने होते हैं? वर्किंग डेज 5 होंगे, सैटरडे संडे ऑफ होता है, सही है? डीएसए में नहीं होता, सही, यहाँ संडे भी ऑन होता है, ऑफ ही नहीं होता है। अच्छा तो ठीक है, तो उसका अब क्या लिखा है? टोटल ओवर टाइम कितना है? 12 आवर्स का, जिसमें से 1 आवर ईच वीकडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एक एक घंटा, और सैटरडे को फिर 7 आवर्स, तो सिर्फ 12 घंटे हो। ये उसने 12 घंटों का एक ब्रेकअप दे दिया। अच्छा, फाइन क्या करना? हाउ मच इज हर ओवर टाइम पे? अब हम सिर्फ इसमें ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यानी कि ये 12 घंटों की बात हो रही है। ठीक है, 12 घंटों की बात हो रही है सर। अच्छा, अब तीन सिचुएशन है, पहले क्या है? शी इज पेड टाइम एंड हाफ फॉर ऑल ओवर टाइम आवर्स। अच्छा, पहले मैं इसको जितना आपने एमए में पढ़ा वैसे करवा देता हूँ, उसके बाद फिर तो दूसरे तरीके भी बताता हूँ क्या करते हैं। देखिए, एमए में आप इसका ओवर टाइम किस तरह निकालते हैं? अब आपने कहा
12 आवर्स है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पहले तो 5 से करेंगे ना, जो बेसिक आता है आप लोगों का, कितना हो गया 60। इसके बाद 12 को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम एंड हाफ 2.5 से, जिसको आप प्रीमियम कहते हैं ना, ये कितना बनेगा 30। टोटल कितना हो गया 90। अच्छा कि हमें यहाँ पर क्या है, बेसिक प्रीमियम का हमें जरूरत नहीं है, हमें निकालना है टोटल यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट 90 आप किस पर निकाल सकते हैं, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 12 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 7.5 तो भी 90 आ जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, आंसर आपको ये देना होगा। जब भी ओवर टाइम पूछेगा आपने आंसर क्या देना है, 90 ऐड करके बताना है, टोटल बताना है ठीक है। वो जो एमए में आप लोग पढ़ते हैं बेसिक प्रीमियम अलग अलग करते हैं कोर्स का ट्रीटमेंट की वजह से, बेसिक को क्या ट्रीट करते हैं, डायरेक्ट लेबर और प्रीमियम इनडायरेक्ट यानी कि ओवरहेड्स में जाता है ठीक। तो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे आपने टोटल बताना हो दोनों का टोटल सही। तो जब भी ओवर टाइम की बात होगी दोनों का टोटल बताएंगे आप। अच्छा सेकंड सिचुएशन, शी इज पेड टाइम एंड हाफ फॉर इवनिंग ओवर टाइम एंड डबल टाइम फॉर वीकेंड। अच्छा इवनिंग में कितने आवर्स काम किया, 5 आवर्स हो जाएंगे, और वीकेंड पे 7 को डायरेक्ट कर लें ठीक है, डायरेक्ट कर लें तो मतलब बेसिक प्रीमियम नहीं निकालते डायरेक्ट। अब देखिए इवनिंग का रेट क्या था, टाइम एंड हाफ, तो टाइम एंड हाफ का मतलब 7.5 हो गया, 5 × 7.5 कितना बना टोटल, कितना ठीक है। और वीकेंड का रेट क्या है, इसका डबल है तो 5 का डबल 10 हो जाएगा ना, 5 बेसिक 5 प्रीमियम, तो 17 × 10 70, दोनों को ऐड कर लेते हैं 107.5 ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका 10। सर इसमें कोई प्रॉब्लम, अच्छा थर्ड है, शी पेड टाइम एंड हाफ फॉर फर्स्ट 8 आवर्स, तो टाइम एंड हाफ फॉर फर्स्ट 8 आवर्स है तो 8 × 7.5 हो जाएगा, कितना बन रहा है 60। और फिर लिखा है एंड डबल टाइम दे आर आफ्टर, 8 के बाद कितने घंटे बचे, 4 आवर्स बच गए, तो डबल का मतलब 5 का डबल 10 हो जाएगा 40, टोटल कर लें टोटल ओवर टाइम इसका 100 हो जाए ठीक है। कॉपी कर लें, अच्छा क्वेश्चन 7, इससे पहले तो हम आवरली रेट निकाल लेते हैं ना, लेकिन इसमें क्या लिखा है, 35 आवर्स इन अ वीक है, एनुअल सैलरी कितनी है 18,200, तो इस एनुअल सैलरी को वीकली में डिवाइड कर देते ना, पहले हम इसकी वीकली पे कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वीकली आवर्स दिए हुए ना, ₹18,200 / 52, 350, तो पर वीक पे आ गई ना, अब पर वीकली पे को कन्वर्ट करते हैं आवरली पे में, अब 350 × 35, क्योंकि 35 आवर्स पर वीक है तो रेट आ जाएगा 10 per hour, ये तो रेट आ गया इसका बेसिक रेट ना 10 per hour सही है। अब हम इसका ओवर टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा अब इसमें कितने आवर्स का ओवर टाइम मिलेगा इसको, 8 3 3 आवर्स का ओवर टाइम मिलेगा सर ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा था ना ये एक्सपेक्टेड टू वर्क अप टू 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम फॉर नो एक्स्ट्रा पे, तो टोटल कितने थे 8, 8 में से माइनस 5 करते 3 आवर्स का ओवर टाइम मिलेगा, और रेट क्या होगा, क्या था, विल बी पेड टाइम एंड हाफ, तो 10 का हाफ हो गया 5, टोटल 15, तो आंसर होगा 45 ओनली। बोनस कैलकुलेट करते हैं, अच्छा बोनस क्या होता है,
एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, कब मिलती है, बोनस कब मिलता है, टारगेट्स अचीव करने पे ना, टारगेट अचीव करने पे मिल रहा होता है ना, अच्छी परफॉर्मेंस पे, टारगेट्स अचीव करने पर, टाइम सेव करने पे, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा करने पर, सही है, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं, तो रीड कर लें। अच्छा क्या लिखा, बोनस के एज एन एक्स्ट्रा पे मेड टू एन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एज अ रिवॉर्ड फॉर टारगेट्स अचीव, ठीक है। अच्छा ये लिखते हैं क्या, लैन एंड लेनोरा वर्क फॉर अ कंपनी विच रन द फॉलोइंग बोनस स्कीम। अच्छा दो एम्प्लॉयज हैं, अच्छा बोनस स्कीम समझ लें। पहला पॉइंट, अ बोनस ऑफ $10 फॉर एवरी कंप्लीट 1 मिलियन बाय विच सेल एक्सीड्स 100 मिलियन इन एनी 1 मंथ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अ बोनस ऑफ $10, $10 का बोनस मिलेगा कब, फॉर एवरी कंप्लीट 1 मिलियन, 1 मिलियन कंप्लीट करने पर, कब, बाय विच सेल एक्सीड 100 मिलियन। तो ये 100 मिलियन तो आपका टारगेट हो गया, ठीक है। अब इसको रिवर्स में पढ़े देखें, 100 मिलियन का टारगेट है, 100 मिलियन के बाद 1 मिलियन की सेल करने पर $10 आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। ये 100 मिलियन का टारगेट है, 100 मिलियन के बाद हर 1 मिलियन की सेल पर $10 का बोनस, सही। अगर 2 मिलियन की सेल होती है तो 23 मिलियन होगी तो 30 हो जाएगा। अच्छा अगर 2.5 मिलियन की सेल हो तो बोनस कितना होगा, 20 या 25, 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या लिखा, कंप्लीट एवरी कंप्लीट 1 मिलियन, कंप्लीट 1 मिलियन पे मिलेगा, इनकम्प्लीट पे नहीं। जैसे अगर 2.5 मिलियन एक्सेस होते हैं तो 2 मिलियन कंप्लीट है, 0.5 कंप्लीट नहीं है तो 2 मिलियन, 0.5 पे कुछ नहीं मिलेगा, 3 मिलियन हुए तो 3 पे मिलेगा, 3.1 मिलियन हुए तो 3 पे, 3.9 मिलियन होंगे तो 3 पे मिले, राउंड ऑफ 0.9 पे कुछ नहीं मिलेगा, सही। तो कंप्लीट 1 मिलियन, अच्छा ये पहली स्कीम है। सेकंड है बोनस ऑफ 5 फॉर एवरी 10 बॉक्सेस ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी वन वर्कर इन वीक इन एक्सेस ऑफ 1000 बॉक्सेस। अच्छा अभी 1000 बॉक्स का तो टारगेट हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, 10 बॉक्स बनाने पर $5 मिलेंगे, ठीक है। तो 1000 का टारगेट है, इसके बाद 10 बॉक्स बनाने पे $5 है, 10 पे 5, 10 पे 5, 10 पे 5। अच्छा 9 बॉक्स बनाए तो कुछ नहीं मिलेगा, 11 बॉक्स बनाए तो 5 ही मिलेंगे, 19 बॉक्स बनाए तो $5, 22 बॉक्स बनाए तो फिर $10 हो जाएगा, ठीक है, 10 पे 5 हर 10 पे। अच्छा थर्ड स्कीम क्या है, अ बोनस ऑफ 10% ऑफ वीक्स पे फॉर एनी वीक इन विच डिपार्टमेंट आउटपुट एक्सीड 10,000 बॉक्सेस। अच्छा ये सिंपल है, 10,000 का टारगेट है, 10,000 एक्सीड करने के बाद 10% ऑफ वीक्स पे बोनस मिलेगा, यानी कि अगर 1001 बॉक्सेस बने, 10,001 बॉक्स, तो बोनस कितना होगा, 10%, 10,001 बॉक्स, एक भी एक्सीड कर गया। अच्छा 11,000 बनाए तब भी 10%, 12,000 बनाए तब भी 10%, तो बेहतर किया 10,001 बॉक्स बनाने के बाद बैठिए। हाँ 10,000 से ऊपर जितने भी बनाएंगे मिलेगा 10%, तो बेहतर कि आप 10,001 बॉक्स बनाए। हाँ अनप्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल, और फिर आप रोजा रखे सो जाए सुबह की तरह उठ गया। ओके अच्छा ये दो गई बोनस स्कीम, अब आते हैं इनकी एक्चुअल एक्चुअल परफॉर्मेंस ही भी है। अच्छा इन 1 वीक लैंड प्रोड्यूसेस 980 बॉक्सेस, लेनोरा प्रोड्यूसेस 1030 बॉक्स। अच्छा द डिपार्टमेंट एज अ होल प्रोड्यूस 10,400 बॉक्स। द फिगर फॉर द प्रीवियस मंथ शोड दैट सेल्स हैड बीन 102.7 मिलियन
अच्छा लाइन लेन हो रहा है बेसिक वीकली पे ऑफ 120 एंड 130 रिस्पेक्टिवली। अच्छा सिर्फ इनका बोनस कैलकुलेट करना है, दोनों एम्प्लॉयज का बोनस कैलकुलेट करना है। तो ये पहला एम्प्लॉय है लाइन, जब उसमें तीन स्कीम्स है ना, स्कीम वन ठीक। अच्छा स्कीम वन में क्या लिखा था, बोनस ऑफ $10 फॉर एवरी कंप्लीट 1 मिलियन बाय वे सेल एक्सीड 100 मिलियन। एक्चुअल सेल्स कितनी है, 102.7 मिलियन। तो 2.7 मिलियन एक्सीड कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट कितने हुए, 2 मिलियन। 2 मिलियन पे बोनस मिलेगा, 0.7 पे नहीं। तो 2 मिलियन इंटू 10 यानी कि 2 × 10 $20 हो गया ठीक है। स्कीम टू, अच्छा स्कीम टू में क्या था, बोनस ऑफ $5 फॉर एवरी 10 बॉक्स इन एक्सेस ऑफ 1000 बॉक्सेस। अब लैंड ने कितने बॉक्स बनाए, 980। टारगेट कितना है, 1000 का टारगेट अचीव, तो बोनस नहीं मिलेगा। तो स्कीम टू का बोनस इसका नेल हो जाएगा ना। अच्छा दी, अब आ जाए स्कीम थ्री। अच्छा इसमें क्या है, अच्छा 10% ऑफ वीक्स पे या डिपार्टमेंट आउटपुट एक्सीड 10,000। डिपार्टमेंट ने कितने बॉक्स बनाए थे, टारगेट अचीव हो गया, तो वीक्स पे का 10% मिल जाएगा ना बोनस। अब लैंड की वीकली पे कितनी है, 120, तो 120 का 10% 12 आ गया ठीक। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 32। तो लैंड का बोनस हो जाएगा $32 ठीक है। ओके ये तो हो गया लैंड का बोनस। अब दूसरा एम्प्लॉय है लेनोरा, उसका बोनस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है तो वन बाय वन इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा स्कीम वन, इसका बोनस तो सेम रहेगा ना, वही 100 मिलियन का टारगेट था, एक्चुअल सेल कितनी हुई, 102.7 मिलियन। तो स्कीम वन का बोनस तो दोनों का सेम रहेगा, 20। स्कीम टू में क्या था, टारगेट 1000 बॉक्सेस का था, लैंड ने कितने बॉक्स बनाए, लिनोरा ने 1030, 30 बॉक्स एक्स्ट्रा बने 30। टारगेट और बोनस क्या था, $5 फॉर एवरी 10 बॉक्स, 10 पे 5, 10 पे 5, 10 पे 5, तो 15 हो जाएगा ना। इसको लिखेंगे किस तरह, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 5 upon 10, 10 पे 5, तो आंसर आएगा 15 ठीक है। तो 5 upon 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बॉक्स बनाने पर $5 सही। और स्कीम थ्री में तो वही 10,000 का टारगेट है, 10,400 बॉक्स बने, तो वही 10% ऑफ वीक्स पे मिल जाएगा। तो इसकी वीकली पे कितनी है, 130, तो 130 का 10% 13 आए। तीनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल बोनस हो गया 48, 48 ठीक, 48 टोटल बोनस ठीक। कॉपी कर लें।